मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। तो आज मेरा कोलकाता में तीसरा दिन है और आज मैं यहाँ पे आया हूँ बिरला मंदिर घूमने। सो ये है कोलकाता का फेमस बिरला मंदिर, ये देख सकते हैं आप लोग। और बाकी ये इसकी बाउंड्री है, ये वाला जो मंदिर है, ये बीच वाला यहाँ का मेन मंदिर है। तो ये भगवान राधा कृष्ण का मंदिर है और इसके ठीक ये लेफ्ट साइड में ये भगवान शिव का मंदिर है, और इसके राइट साइड में जो ये वाला है ये माँ दुर्गा का मंदिर है। और बाकी यहाँ पे जो छोटे छोटे भी मंदिर है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये जो मेन मंदिर है, मेन मंदिर के ये लेफ्ट साइड में बाउंड्री के कॉर्नर पे जो ये वाला मंदिर आप लोग देख सकते हैं, ये गणेश भगवान की मंदिर है। और ऐसे ही जो मंदिर का राइट वाला साइड है, तो राइट वाले साइड में जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के कॉर्नर पे अभी ले चलता हूँ मैं आप लोगों को, और वहाँ पे दिखाता हूँ ये बजरंगबली का मंदिर है। तो अभी मैं आ चुका हूँ मंदिर के राइट साइड में, और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ये जो छोटे छोटे मंदिर हैं ये, तो इसमें जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु के जो दसवा अवतार हैं ये उसका मंदिर है। इसमें भगवान विष्णु के दसवा अवतारों को दिखाया गया है। और ये वाला जो एरिया है ये देख सकते हैं आप लोग, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। तो यहाँ मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, अंदर जाने से पहले मेरा फ़ोन स्विच ऑफ करवा दिया गया था, इसलिए मैं अंदर जाकर कुछ भी आप लोगों को दिखा नहीं पाया। बट अंदर क्या क्या है वो सारी चीज़ें मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। तो जब यहाँ पे आप लोग मंदिर के अंदर एंट्रेंस करेंगे, तो एंट्री के साथ ही जो इसका ये वाला पार्ट है, ये इसका मेन मंदिर है, और इसके छत पर जो झूमर लगा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और बाकी इसके जो पिलरों पर नक्काशी की गई है, इसके जो दीवारों पर नक्काशी की गई है वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की है, और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ जाने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, वो उसमें जो मंदिर होते हैं वो कितने सुंदर होते हैं, कितने उत्कृष्ट होते हैं। और यहाँ पे सुरक्षा के काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है, और यहाँ पर अंदर इंटर करने के लिए आप लोगों को जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ करना होगा। और अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो जो भी आप लोगों का बैग एंड बैगेज रहेगा उसको आप लोग घर पर ही रख के आएँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लॉकर वगैरह का सुविधा नहीं है। और अगर आप लोग यहाँ बैग रखना चाहते हैं तो यहाँ गेट के पीछे साइड में कॉर्नर में रख सकते हैं, बट वो आपको अपने रिस्क पे रखना होगा। आपका जो भी सामान यहाँ से गुम होगा वो उसका कोई रिस्क कवर नहीं करेगा। तो ये जो बिरला मंदिर है, ये बिरला मंदिर का बाउंड्री है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नक्काशी की गई है। यहाँ पर इस नक्काशी में फूल पत्तियों की आकृति बनाई गई है, और साथ ही साथ यहाँ हाथी की भी आकृति बनाई गई है, और इसको इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि इसको देखने के बाद एक पल के लिए नज़रें ठहर जाती है इस पर। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देख लें। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।